अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो गीला अफीम व 7 किलो डोडा जब्त। लगातार अफीम तस्करों की कमर टूटती नजर आ रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर SDPO अविनाश कुमार व CRPF 190 बटालियन के सहायक कमांडेंट परमजीत कुमार के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जा रहा है अभियान। के दौरान मिली बड़ी कामयाबी, राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया अमकुदर मुख्य पथ पर अभियान के दौरान हीरो होंडा स्प्लेंडर पर सवार दो लोग आ रहे थे। पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। जंगल का लाभ उठाकर दोनों भागने में सफल रहे। पुलिस नजदीक पहुंचकर मोटरसाइकिल की जांच की तो मोटरसाइकिल में 10 किलो गीला अफीम व 7 किलो 700 ग्राम डोडा मिश्रित पोस्ता दाना मिला। मोटरसाइकिल सहित अफीम व डोडा को पुलिस जब्त कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया और अमकुदर के बीच में CRPF के 190 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट परमजीत कुमार के नेतृत्व में एक चेकनाका लगाया गया था, क्योंकि वो माओवादी का इलाका है और माओवादी दस्ता के होने की सूचना मिली थी। इस चेकनाका के लगाने के दौरान में वहाँ पर रात में मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकनाका को देख करके वो दूर से ही भाग गए, वहाँ से दौड़ा के पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वो भागने में सफल हुए। यह घटना 20 अक्टूबर की है। जब वहाँ पे सर्च किया गया तो सर्च के क्रम में लगभग 11 किलो उस मोटरसाइकिल के पास से गीला अफीम को बरामद किया गया है तथा लगभग 8 किलो पोस्ता दाना, जो अफीम पोस्ता है, उसको बरामद किया गया है। चूँकि यह NDPS के धाराओं के अंतर्गत में आता है तो थाना प्रभारी राजपुर के द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही वह मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है जो अभियुक्तों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, और हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं इसमें।